फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द हाई द बेस्ट कॉफी इंडिया में। आज मैं आपको फिर से एक बार आर सी बी वी एस के आर के मैच में लाइव कमेंट्री के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। आंद्रे रसल आते ही अपनी पहली बॉल में चौका लगाने की कोशिश थी लेकिन वापस गए पवेलियन। करण शर्मा की पहली बॉल दीपकृत की और वापस जाना हुआ। आंद्रे रसल उसका विकेट नहीं गिरा। अगर कहा जाए तो जितने भी ड्रीम इलेवन के प्लेयर्स होंगे या जिन्होंने भी आंद्रे रसल के ऊपर अपना डिमांड्स किया होगा या उन्हें टेस्ट किया, एक चौका प्यार शार्दुल ने खूबसूरत टाइप की, वहां पे 4 रन मिलेंगे उन्हें। सिचुएशन में कैसे खेलना है ये आपको सूझबूझ से समझ जाना चाहिए। रसल बहुत गलत कर दिया, उन्होंने पहली बॉल में उन्हें हिट नहीं लगानी चाहिए थी। और शार्दुल ने मिड ऑन फाइन लेग की, शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर से मारा फाइन लेग की दिशा में और वहां पे मिलेंगे उन्हें 4 रन। काफ़ी अच्छी बैटिंग है अभी तक शार्दुल ठाकुर की, 5 गेंदों में 13 रन, टीम को 12 में 12। आरसीबी काफ़ी अच्छी स्थिति में है अभी, अच्छे कंट्रोल के साथ। Is the rule of the tournament is good count. अच्छी बैटिंग्स करते हुए आरसीबी से अगर मैच जीतना है तो कम से कम 210-220 रन का टारगेट देना होगा केकेआर को, क्योंकि फेवरेट प्लेयर्स इन विराट कोहली ऑलरेडी फॉर्म में है। लास्ट 2 मैचों में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बैटिंग की है दोनों बैटरों ने। तो अगर केकेआर को जीतना है, इस मैच में बने रहना है तो बैटिंग को थोड़ा सा और ध्यान में रखते हुए चेंजेस या अपडेट करना चाहिए अपने आप को। ये ऐसे मैच हैं कि कल क्या वो कोई ध्यान नहीं देता, और ये फिर से एक बार ट्राई किया उन्होंने, ऑफ में खेल लिया उन्होंने, बड़ा ऑफ के बीच में 1 ही रन मिलेगा शार्दुल ठाकुर को। काफ़ी अच्छे के स्ट्राइक रेट में है शार्दुल ठाकुर, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। करण शर्मा ने अच्छी बॉलिंग करते हुए इस मैच में स्कोर अभिभाव 164 का, क्योंकि पिच अच्छी है, बैटिंग पिच है, छोटी गेंद बहुत अच्छे से पुल किया लेकिन 1 ही रन आएगा 106 पे 5 13 के बाद। नो बॉल आकाशदीप को, दोबारा डालनी पड़ेगी गेंद आकाशदीप को, थोड़ा सा लेट डिसीजन आता हुआ एम्पायर्स का।
काशदेव को फिर से एक बार डालनी होगी ये बॉल। लेकिन कहना होगा कि अच्छा देखा जाए तो रिटर्न उन्होंने अपना फैसला चेंज करके कैच के लिए एक फ्री ऑफ बॉल है कुछ एक्स्ट्रा रन मारने के लिए, जो कि ये रन दूसरी नोवालिन की दबाव आकाशदीप पे, शार्दुल ठाकुर स्ट्राइक पे, और शार्दुल ठाकुर ने क्या खूब खेला है। और देखे जाएंगे एक दर्जन रन और 6 रन भी आए हैं, और बहुत अच्छी कनेक्शन शार्दुल ठाकुर की बैट में ऑन द शॉट, जबरदस्त ऑन द शॉट लगाते हुए शार्दुल ठाकुर 6 रन के लिए खेलते हुए अच्छे रन्स। मैंने कहा ही था आपको एक की बेनिफिट है KKR के लिए, एक बार फिर से करण शर्मा अपना स्पीड डालते हुए शार्दुल ठाकुर थ्रेट का फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं, बखूबी निभाते हैं शार्दुल ठाकुर। और शार्दुल का था तो अच्छे बल्लेबाजी करने लगे हैं, महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में उन्होंने काफी अच्छे सिक्स के लिए भी रन निकाले हैं। और ये है टाटा नेक्सा, इसका कुछ अलग ही मजा, ये फैंस के कुछ अलग ही लुत्फ उठाते हुए पेक चंद हाउस सुरेश है। ईडन गार्डन में मैच होता हुआ आज का, और एक बार फिर से निकाले हैं इनसाइड आउट खेला है, इस बार मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन 2 रन ही मिलेंगे, 2 रन से संतुष्ट करना होगा शार्दुल ठाकुर को। और ये एवरेस्ट टर्न 9 में शार्दुल ठाकुर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक, एक चीज मानना पड़ेगा जिस तरीके से करण शर्मा ने निडर होके गेंद डाला देख के बड़ा अच्छा लगा रसल के खिलाफ, अमोनियो ने डिस्पल वो खिंचा हुआ स्पिनर डालते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने वाले हैं नारायण, टीम सावधि, उमेश यादव। और साथ तो प्रॉपर ग्रेडिंग्स आउट भी खेल रहे हैं, ऑलराउंडर हैं कहा जाए तो शार्दुल ठाकुर, क्योंकि वो बॉलिंग फील्ड में दोनों 100% देते हैं शार्दुल ठाकुर। और अपने घरेलू टीम के लिए ओपन भी किया था, 90 रन्स जोड़े थे। और ये एकदम बहुत तगड़ा शॉट, सिर्फ शॉट, और 4 रन मिलेंगे दोनों फील्डरों के बीच से गैप निकाल डाला। और ये शार्दुल कमाल का है, कमाल का बंदा और कमाल के शॉट है इसके, नेक्स्ट फिगर नहीं होना चाहिए शार्दुल ठाकुर से। ब्रिस बेल ये रिवर्स स्वीप, लेकिन एक ही रन मिलेगा यहाँ पे जितना, और रिंकू को ज़्यादातर स्ट्राइक शार्दुल ठाकुर को देना चाहिए क्योंकि अभी वो अच्छी लाइन में बैटिंग करते हुए, और रिंकू का भी थोड़ा सा अगर वो रुक के भी शॉट खेलना चाहें तो उनके लिए सही होगा। जिस तरीके ने उन्हें क्रिकेटिंग शॉट खेले हैं वो बहुत इम्प्रेसिव है। वेल प्लेड शार्दुल, और एक बार फिर से फ्लिक किया है एक्स्ट्रा कवर के बीच में, एक ही रन मिलेगा।
चार चौके और एक छक्का लगाते हुए अभी तक साधु ठाकुर। और एक बार फिर से लेकिन एक सीधा फील्डर के हाथ में वन बाउंस, एक रन। वापस से ठाकुर स्ट्राइक पे, देखना होगा। टाटा नहीं लगा पर। और ये साधु ठाकुर ने ऊपर तो बहुत गई है, बड़ा शॉट है और साधु ठाकुर का है, और 6 रनों पूरे एक दर्जन रन आते हुए साधु ठाकुर के। और ये है KKR, जिसमें कोई भी हीरो बन के निकलता है। किस तरीके से स्टेप आउट किया और सीधा एकदम बैट्स में लगती। और एक बार फिर से लिखा है बैक टू बैक सेकंड सिक्स, ये भी निकल जाएगा। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, ऑफ स्पिनर के खिलाफ साधु ठाकुर चांस लेंगे ही लेंगे, और बैक टू सिक्स लगाते हुए साधु ठाकुर। थोड़े फैंस झूमते हुए KKR के, एक बार फिर से उम्मीद को जिंदा रखते हुए साधु ठाकुर। KKR शेरदिल ठाकुर क्या उमदा शॉट लगाते हैं शेरदिल ठाकुर। देखना होगा इस बार क्या होता है। और इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर थे, खेल दिया है, 1 रन मिल जाएंगे। पचास रन की साझेदारी पूरी 15 के बाद 140 पे, 15 के बाद 140 पे पहुंच गया कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर। अब क्या प्रोजेक्ट स्कोर देखा जाए तो 107, 187 माफ करें, और अगर 13 का 200 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। डिपेंडिंग फॉर दिस विकेट साधु ठाकुर, और अगर RCB साधु ठाकुर का विकेट गिराने में कामयाब होती है तो ये 200 के अंदर भी रोक सकते हैं। काउंटर अटैक करते हुए साधु ठाकुर ने, और वही चाहिए था KKR को, एक बड़े लक्ष्य को। आते ही इनकी मनसा साफ थी, तो रन बटोरना है, और उसी तरीके के शॉट भी लगाते हुए साधु ठाकुर ने बैक टू सिक्स टेक स्विंग को। मीडियम स्लोवर, और ये गैप में निकल जाएगी चौका साधु ठाकुर के बल्लों से। और RCB ने तो एंडी रसल के लिए प्लानिंग की थी, लेकिन साधु ठाकुर की नहीं। लेकिन साधु ठाकुर कामयाब होते हुए अपनी टीम के लिए और KKR के लिए, और बहुत बढ़िया शॉट। इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं साधु, कुछ क्रिएटिव करने के प्रयास, लेकिन वेट होते हुए। मिड विकेट की बाउंड्री को उन्होंने अच्छा खासा टारगेट करते हुए साधु ठाकुर ज्यादा रन बटोरते हुए मिड विकेट की बाउंड्री में। मात्र 4 रन दूर अपने शतक से अगर मार देते हैं तो इस IPL की सबसे फास्ट। और ये गेंद ऊपर तो गई है लेकिन गैप में, एक शुरुआत भी हुई थी इनसाइड एज के साथ। अगर लास्ट बॉल पे उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं साधु ठाकुर, 47 पे खेल रहे हैं 17 बॉल का सामना करते हुए। अच्छी बैटिंग है अभी तक साधु ठाकुर की। और
और रिंकू सिंह भी, लेकिन उतनी अच्छी बॉलिंग, स्लोवर। ट्वेंटी सेवन बॉल में 56 रन। बाकी जो है शार्दुल ठाकुर ने मारे धोले, ये तो वायर दी जाएगी, दोबारा डाली जाएगी कली द बिल्ली द्वारा। अभी तक अच्छी अभी मैक्सवेल भी, इनके पास ऑफर चांसेस हैं, लगा सकते हैं कार्ड ओवर, मैक्सवेल भी निकाल सकते हैं फिर रिप्लेसिंग। और अक्षर पटेल भी हैं अभी इनके पास, एक्स्ट्रा हो चुके हैं 16 के बाद 147 पे पास के यार।